इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रणवीर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रणा सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गंगा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर निकाय चुनाव का चुनाव चिन्ह आते ही प्रत्याशी पूरे तरह से चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए हैं। जनसंपर्क की बात हो या तरह तरह अपने तरीके से प्रचार प्रसार करना हो, जनता से वादा कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी मौसम में हर प्रत्याशी चाह रहे हैं कि हमारी जीत हो तो हमारी जीत हो। सहरसा पहली बार नगर निगम बना, यहाँ नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है। वार्ड की संख्या में भी इजाफा हुआ है, 46 वार्ड हो गए हैं। मेयर और डिप्टी मेयर का भी साथ साथ चुनाव होना है। मेयर कैंडिडेट की अगर बात करें तो 2 दर्जन से अधिक मेयर कैंडिडेट चुनावी रेस में हैं। अभी हम मौजूद हैं नगर निगम सहरसा के जो बतौर मेयर प्रत्याशी हैं रंजना सिंह, उनके पति हमारे साथ संजय सिंह मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि क्या रोड मैप है, किस एजेंडे को लेकर के चुनाव में आए हैं, अगर जीत होती है तो किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका खास बातचीत में। आपकी पत्नी बतौर मेयर से चुनाव लड़ रही है और किस एजेंडे को लेकर के आप आए हैं, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक जीवन आपका एक लंबा रहा है, तो किस तरह से क्या काम करना चाह रहे हैं अगर जीत होगी तो? देखिए, हम 90 से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले मेरी पत्नी थी पार्षद, फिर उपाध्यक्ष बनी, नगर परिषद था, उसके बाद फिर मेरा लड़का पार्षद है बना, फिर अभी भी मेरा लड़का पार्षद है। तो हम काम तो आज से नहीं 90 से कर रहे हैं और 90 से हम जनता के बीच में हैं। इस वार्ड में, जिस वार्ड से हम प्रतिनिधि करते हैं, इस वार्ड में हम 20 वोटर हैं अपने कास्ट का, लेकिन जनता जो है काम के आधार पर हमको वोट देते हैं। हम काम करते हैं और नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार था इसके खिलाफ में हम बड़ी लड़ाई लड़ी, जो आप लोगों को मालूम होगा, सब लोगों को अवगत हो, कितना अवैध कर्मचारी का बहाली था, उसके हटाने में मुझे बहुत परेशानी हुआ। तब भी हम बहुत हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा के सबको हम ख़त्म कर दिए। और मेरा एजेंडा यही है, इस शहर में कोई नगर निगम के द्वारा या नगर परिषद के द्वारा कोई विकास नहीं हुआ। जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के आए कुछ नहीं किए, सिर्फ कागज पर ही काम हुआ। हम बोलना नहीं चाहते हैं वार्ड के वार्ड पार्षदों के लिए, वार्ड पार्षद का भी अहम भूमिका नहीं रहा जनता के बीच में। जनता का क्या काम है, जनता का क्या 5-6 मुद्दा है। एक है सड़क रोड नाला, दूसरा है वृद्धा पेंशन, आवासीय, राशन कार्ड और सही समय पर जन वितरण खाद्यान्न, जनता का ही एक इंदिरा आवास, यही काम है जनता का। ये 5 एजेंडा, ये काम कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा तो। बहुत सारे लोग वार्ड कमिश्नर या बहुत सारे 25,000 रुपया लेते हैं तब इंदिरा आवास देते हैं। वार्ड कमिश्नर थोड़ी इंदिरा आवास देता है क्या, सरकार दे रहा है ना, बिहार सरकार दे रहा है ना, बिहार सरकार पैसा दे रहा है ना। वार्ड कमिश्नर को मॉनिटरिंग करना है, जो गरीब है उसको सूची देना है, सूची दे करके पदाधिकारी को सूची देगा, काम करेगा, पदाधिकारी स्वीकृति दे देगा। तो सारे वार्ड कमिश्नर जो है अपना तो रोटी सेकने के लिए काम करते हैं, लेकिन जनता अब सजग हो चुका है। जनता अब कोई कहेगा जो हम वोट को दुरुपयोग कर देंगे, वोट दुरुपयोग नहीं हो रहा है, जनता सब देख रहा है। एक बारिश में शहर का हाल आप देखिए रहे क्या स्थिति है। बुड़कों के द्वारा जो है 100 कितना अरब का नाला बना, लेकिन पता लगा लीजिए एक भी नाला का उपयोग नहीं हुआ, किसी का कॉन्टेक्ट नहीं है कि जिधर मन हुआ बुट को उधर बना दिया, उसको अच्छा से मॉनिटरिंग नहीं किया। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, सहरसा शहर में बुटको के द्वारा इतना पैसा दिया गया उसका सदुपयोग नहीं हुआ। नाला सिर्फ बना दिया जाएगा, निकासी उसका कैसे, पानी कहाँ जाएगा, लेवल ठीक से नहीं लिया गया, जिसका परिणाम जनता भोग रहा है। हर एक वार्ड में जाइए कहीं नाला नहीं बना हुआ है, पानी इतना लगा हुआ है, अब क्या बताएंगे हम शहर के लिए। तो शहर में आपके कहने का मतलब समस्याओं का अंबार है, अगर जनता प्यार आशीर्वाद दे के आपकी पत्नी को जिताती है तो आप जो इस समस्या पर किस तरह काम करेंगे, क्योंकि आप भी जान रहे हैं सहरसा शहर के लोग जल जमाव और जाम की बड़ी समस्या से काफी परेशान रहते हैं। देखिए, शहर में जाम समस्या तो मेन समस्या है, जाम का ओवर ब्रिज, और दूसरा समस्या है जो हम लोगों का सड़क जो बना हुआ, जितना सड़क है सारे लोग जो है सड़क को धीरे धीरे छोटा करके अपना दुकानदारी बढ़ा के छोटा करके उसको छोटा कर दिया। मेरा कहना ये जब जिस समय में 1948 में सड़क बना था, उस समय में डीबी रोड चाहे गांधी पथ चाहे जितना है, जितना मुआवजा सरकार को जो दिया गया सारे जमीन मालिक को जितना एक्वायर किया, वो सड़क तो नहीं है, उस पर घर बन गया है, उसको तो नापी करके उसको काम होगा, उसको नापी जी भाई, जितना तुम मुआवजा जब ले लिया गया है तो सरकार को जगह तो छोड़ना पड़ेगा।
धीरे धीरे लोग क्या करता है, बगल में जो है नाली बना दिया, बगल में पोल बिजली का करवा दिया, फिर इधर एक्रोच कर लिए, छोटा हो गया। ये सब बहुत बड़ा काम है, ये सब काम करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा पैसा खर्चा होगा, नगर परिषद का तो सीमित है, पैसा कम है, उसी में काम करना है। लेकिन तब भी प्रयास करेंगे जो ये सब काम हो, जाम से मुक्ति हो शहर को, नाला से मुक्ति हो, पानी से मुक्ति हो, लोग को जो समस्या, नगर परिषद, नगर परिषद में क्या है, नगर परिषद में गैंग चलता है। अब शाम के बाद आप जाइए वहाँ क्या होता है, पब्लिक जाता है तो इतना वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। अभी हम सारे स्टाफ को जो है हाईकोर्ट के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, सारा एनजीओ है। आप हाल फिलहाल में देख लिए एनजीओ का, जिस एनजीओ मेरा नगर परिषद में 40 वार्ड का 32 लाख रुपया प्रति महीना खर्चा होता था सफाई के लिए, उसको इस बार कर दिया अपने मन से। नगर परिषद भंग था, पदाधिकारी मिल के उसको 1.25 करोड़ रुपया महीना करके टेंडर कर दिया, जिसको हमने लिखे, पदाधिकारी को लिखे, सारा लिखे, सारा आया, जांच कमेटी बैठा, टेंडर को कैंसिल कर दिया। तब उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हुए, हम बोले नहीं ये काम नहीं होगा। दिन में 5 दिन में पहले सप्ताह में सुनवाई हुआ है, काउंटर फाइल करना है, जो पदाधिकारी दोषी है, जो गलत एजेंसी को काम दिया गया है उसको पर कार्रवाई हो, पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, तब न बुझेगा ना, तब न दूसरा कोई पदाधिकारी का तो ऐसा काम नहीं करेगा। इतना भ्रष्टाचार कहीं न होता है, बताइए आप 1.25 लाख रुपया महीना, 1.25 करोड़ रुपया महीना में लगेगा खर्चा सिर्फ झाड़ू देने में, ऐसा होता है क्या? जो 32 लाख का में पहले होता था वो 1.25 करोड़, 6 वार्ड बढ़ गया तो 1.25 करोड़ हो जाएगा, 32 मतलब 50 हो जाएगा महीना में खर्चा, 1.25 करोड़ तो नहीं होगा, लेकिन दे दिया। लेकिन हम लड़ाई का कहने मतलब है कि नगर परिषद इससे पहले था तो पूरा भ्रष्टाचार हो रहा था, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा था, छिपा हुआ है क्या? आप ही लोग मीडिया वाले हैं, कितना निकाले हैं, क्या किए हैं, लेकिन कोई उस फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे हिसाब देखिए, आज इस चुनाव में नगर निगम में तो बड़े बड़े आदमी सब हैं, एमपी है, मंत्री है, विधायक है, हम तो छोटा मोटा आदमी हैं, हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम काम जनता को करते, हम ईमानदार व्यक्ति जरूर है, पता लगा लीजिए, तो हम भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ते, हम पैसा घूस नहीं लेते हैं, मेरा बेटा भी है, मेरा पत्नी भी रही है, मेरे वार्ड में घूम कर देख लीजिए, अगर एक भी जनता का देगा डालकर हम पैसा देते हैं लोग को, ब्याह शादी मुरन उड़न जितना होता है, राशन कार्ड स्मार्ट कार्ड, हमसे जो प्रयास होता है देता है तो सरकार, सारा सिस्टम तो सरकार का है, कोई कमी नहीं है सरकार में, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है, सदुपयोग अगर होगा तो जनता को कई तरह की दिक्कत नहीं होगा। ये चुनावी मौसम है, आपने बताया कि इससे पहले नगर निगम सहरसा अभी है, इससे पहले नगर परिषद था, भ्रष्टाचार पूरा होता था, आप लगातार लोगों के बीच बने हैं और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये चुनावी मौसम है, लोगों का कहना है कि इसमें जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव के समय सभी वादा करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये आपका वादा या क्या हुआ काम जनता का कितना? हम कोई वादा नहीं करें, हम ये नहीं कह रहे हम जीतिए रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं जो अच्छा आदमी है, जो अच्छा आदमी उसी को वोट दीजिए, लेकिन परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, तो जनता जानेगा, जनता को नजर में है जो कौन अच्छा है कौन गड़बड़ है उसको वोट देना है, हम ये कहाँ कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे तो पहाड़ उठा देंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर हमको जनता वहाँ भेजता है तो देखेंगे काम करेंगे, हमको तो लगता है अगर हमको वहाँ भेज दिया तो फिर 5 वर्षीय के बाद फिर हमको इतना घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जनता हमको ऐसे वोट देगा, हम यहाँ 4 टर्म से हैं, 20 वोटर हैं, लेकिन आखिर क्यों हम, मेरे अगेंस्ट में 100 वोट किसी को नहीं होता है, मेरे अगेंस्ट जो पार्टी खड़ा होता है 100 वोट का अंदर सब निपट जाता है, आखिर हम में तो खूबी है, जनता तो समझ रहा है जो काम करता है, तो हम आपको वादा करते हैं अगर हम वहाँ जीत के गए ना तो दोबारा फिर हमको घूमने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे रंजना सिंह को वोट देगा। नगर निगम की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? नगर निगम जनता अपील करेंगे जो अच्छे, आप पता लगा लीजिए, हम सभी जनता से अपील करना चाहते हैं, पता जितना कैंडिडेट खड़ा हुआ है कौन क्या है नहीं है, आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप पता लगा लीजिए, संजय सिंह अगर अच्छा आदमी है तो उसको वोट दीजिए, अच्छा नहीं है संजय सिंह को मत वोट दीजिए, लेकिन अच्छे ईमानदार आदमी को चुन के लाइए, यहाँ बहुत बड़ा समस्या है, जो अच्छा आदमी आएगा वो सही उपयोग करेगा और सही काम करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये एक बात है, देखिए आप भगवान को दुआ बुझिए कि नीचा वाला का दुआ बुझिए, जिसका दुआ बुझिए, हमको बॉल छाप मिला है, बॉल मतलब जानते हैं ना, इजोरा, अंधेरा को इजोरा करना, हमको तो दे दिया है छाप, तो हमको मिल गया है, हमको रोशनी करने के लिए हमको दे दिया है छाप, बचा क्या है पता लगा लीजिए, कुछ नहीं बचा हुआ है, सब वैसे घूम रहा है, पैसा पर खरीदना चाहता है, जनता पूर्वक नहीं है, देता है तो लेता है, हम भी बोलते दे रहा है तो लो, करना क्या है, आज आया कल जाए, कोई वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं लड़ा है, मेयर में खड़ा हो गया है,
कोई है सुपौल का, कोई लकड़ी का व्यापारी करता है, चुनाव में खड़ा हो गया। अरे भैया पहले वार्ड कमीशनर को चुनाव करके देखो ना, तब न तुम मेयर में खड़ा होगे। वैसे मेयर में खड़ा हो जाओगे, 40,000 वोट चाहिए जीतने के लिए, कहाँ से लाओगे? भीख मांगने से हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। चुनाव क्या है, जनता सब देख रहा है, जनता से कोई छिपा नहीं हुआ। 40 वार्ड का जो महान जनता है वो सब देख चुका है, कार्यकाल कौन किया है नहीं किया है, संजय सिंह क्या किया हम क्या, चार मुकदमा अभी हम मेरे द्वारा किया हुआ घोटाला के विरुद्ध में चार पदाधिकारी फंस रहा है, मेरे फोन करता है हमको बकस दीजिए, छोड़ दीजिए, चारों केस का हाईकोर्ट में हेयरिंग हो रहा है। इससे पहले भी इंदिरा आवास का घोटाला हुआ, उसका भी लाइट घोटाला हुआ, उसका भी डस्टबिन घोटाला हुआ, उसका भी पता लगा लिए, सब मेरे केस नंबर पूछिए हम बता देते हैं, सब हाईकोर्ट में हेयरिंग चल रहा है। हम लड़ने वाले हैं, कमजोर हैं हम, कहां मंत्री विधायक, हम तो कमजोर हैं, हम ये बात जानते हैं, मेरे ऊपर बहुत लोग लगा हुआ है, लेकिन हमको उसके लिए चिंता नहीं है। मेरा हत्या भी हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जनता मालिक है, जनता सब देख रहा है, हम जनता को बोलते हैं मेरे पीछे बहुत लगा हुआ है, हमको कभी भी कुछ हो सकता है, आप देखिएगा मेरे परिवार को, सबको आप देखिएगा, हमको कोई डर भर नहीं है, हम जनता के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जो अच्छा आदमी है वोट दीजिए, जो गलत लोग है उसको वोट मत दीजिए, परिवर्तन कीजिए, शहर में रोशनी लाइए, शहर को जगाइए, शहर को उठाइए, देखिए कौन काम करने वाला है, शहर बहुत नीचे स्तर पर है, उसको ऊपर लाना है, कचरा से मुक्त करना है, ये कचरा वाला शहर है उसको मुक्त कीजिए, अच्छा काम करने वाले को वोट दीजिए, हम यही अपील करते हैं। क्या नाम हुआ? संजय कुमार सिंह। प्रत्याशी का क्या नाम? रंजना सिंह, पूर्व सभापति है, मेयर से। मेयर से। चुनाव चिन्ह क्या नाम? चुनाव चिन्ह बल छाप है। ईवीएम करना 19। पति संजय सिंह खास बातचीत में थे, इन्होंने खुले सफे पे हर बिंदु पे बात की, ये कह रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, नगर निगम सहरसा की जनता से कि जो बढ़िया प्रत्याशी है उनको वोट दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, लेकिन आप आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सहरसा नगर निगम की जनता अपना प्यार आशीर्वाद किसे देती है, किसके सर जीत का सहरा जाता है। नजरिया न्यूज से मोहम्मद।